साहब अब घिसाई का काम पूरा हो गया। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। कल से कलर का काम शुरू करना है। हाँ बिल्कुल करो करो, गोकुलधाम को मस्तबे की कलर मार के एकदम चकाचक कर दो। चकाचक करने के लिए साहब कलर की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। तो 1,60,000 रुपए दीजिए। तो अब सोसाइटी को कलर की जरूरत है, जेठालाल के पास कलर है, अब जेठालाल कलर के 1.5 लाख रुपए दे या कलर दे, बात तो एक ही है ना? बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब। और मेन बात भीड़े, मेरे पास A1 क्वालिटी का कलर है। फिर आपने मुझे कलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अगर आप कलर दोगे तो मेरा नुकसान है। भाई हम कलर ला के दे रहे हैं, उसमें तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया खराब? अगर 1 लाख रुपया बच रहा है तो सेक्रेटरी होने के नाते मैं तो सोसाइटी का फायदा ही देखूंगा ना। तू बस अरे जेठालाल तुम कलर ला के दो। कारीगर का फोन था, बोले कल से काम स्टार्ट करेंगे। कल से? हाँ मतलब आज काम बंद। अरे सखाराम ये बाबू का रोज का 5,000 का भाड़ा जा रहा है। कारीगर कल से काम शुरू करने के लिए बोल रहे, रात भर उन्होंने दूसरे घर पे काम किया था, एक दिन चला लो ना। माधवी ये सखाराम भी है ना, अभी बोल रहा है कि कल से काम शुरू करेंगे। ये पेंटर लोग है ना? अरे पेंटर ही क्यों, ये कारपेंटर, ये प्लम्बर, सब लोग वादे के मुताबिक कभी काम करते ही नहीं है। हमेशा आधा काम छोड़ के कल करेंगे बोलते रहते। इनमें ना शिस्त नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे हमारे जमाने में, मैं क्या कहती हूँ, अगर आप सखाराम और उसके मजदूरों को 2 दिन क्लासरूम में बिठा कर शिस्त का पाठ पढ़ाओ तो कैसा है आइडिया? वेरी गुड आइडिया। ये मजाक का वक्त नहीं है माधवी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे एक दिन का काम बंद मतलब बाम्बू का रोज 5,000 रुपए भाड़ा जा रहा है, और ऊपर से सबको परेशानी होगी वो अलग से। हाँ आपकी बात भी सही है। तो पर होनी को कौन टाल सकता है ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। मतलब छुट्टी हो गई है ना, वो कल से काम शुरू कर देंगे। देवा इस सकारम को सद्बुद्धि देना कि वक्त पे काम शुरू करे और वक्त पे काम खत्म करे। अब वक्त पे चला। उठे सखाराम। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे गुड मॉर्निंग आदि भाई। हाँ एक मिनट जरा हाथ देना। अरे ये पेंट करने वाले आने वाले थे, आए नहीं क्या? अरे मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ कब से। तो चलो तब तक पूरन पोली खाते हैं। ओहो सुबह सुबह पूरन पोली, क्या बात है, चला। अरे आप वहाँ कहाँ जा रहे? अरे तुम्हारे घर। माधवी भाभी क्या पूरन पोली बनाती है, मुंह में पानी आ गया। बात सही है लेकिन अभी क्या है, सकरम भी आ गया, क्या बात है, क्या टाइम पे आया है। लोग भी ना गलत टाइम पे आ जाते हैं। अरे सकरम पुठेस तू। हाँ नमस्कार। नमस्कार, तुम्हारे कारीगर क्यों नहीं आए? वाह मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वापस तुम मुझे पूछ रहे हो? साहब मैं रात को खुद उनके घर पे गया था, उन्होंने कहा सुबह होते काम शुरू करते साहब। तो कहाँ है? हाँ, अभी तक आए हैं वो लोग। कारीगर लोग भी ऐसे हैं ना साहब, पर आप टेंशन मत लो साहब, मैं अभी उनको पकड़ के लेके आता हूँ। अरे भाई जरा जल्दी आना, वो क्या है ना कि जब से बाम्बू लगे हैं ना तो मेरे कारीगर भी नहीं आ रहे। हाँ? अरे सॉरी मेरा मतलब है कि मेरे पेशेंट नहीं आ रहे। साहब आप टेंशन मत लो, पेशेंट को आप भी पकड़ के लेके आता हूँ। हाँ? नहीं, कारीगर को पकड़ के लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा, आज साले अब इंतजार करते रहो, मैं तो आज वापस नहीं आने वाला। पता नहीं अय्यर भाई कब ये कलर लगाने का काम शुरू होगा और कब खत्म। ये बाम्बू को देखते देखते थक गया मैं, मेरे घर का पूरा व्यू ब्लॉक कर दिया है। मेरा भी, और आज भी लगता है वो कलर वाले आत्माराम ने सखाराम। अरे हाँ भैया वही, उसने आना कैंसिल कर दिया है। लो आत्माराम आ गया। अरे आत्माराम ये कलर वाले अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ अभी तक नहीं आए? नहीं आ गए, हम लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए खड़े हैं। क्या भिड़े तुम भी? अरे नहीं पोपटलाल, सुबह सखाराम आके क्या, उसने बोला मैं अभी कारीगर को लेके आता हूँ, हो कि नहीं? बोला तो था। हाँ तो भाई फोन करो ना उसको, किधर है वो? करो फोन। मालया मानसा जी। बेटा कितनी बार तेरे को मैंने समझा है कि तेरे लायक कुछ भी काम रहेगा तो मैं खुद बुलाऊंगा, क्यों आ रहा है बार बार? अब जा।
हाँ बेटे साहब बोलिए। हाँ मैं बस आधा घंटे में आ रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत है ना। हेलो हेलो। हाँ हाँ बस आ ही रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। ट्रैफिक बहुत है क्या? हाँ मतलब वो ट्रैफिक में है, वो आधे घंटे में पहुंच रहा है कारीगर को लेके। देखो भिड़े, तुम उस सखाराम को आज स्ट्रिक्टली बोल देना कि वो अगर इस तरह से काम करेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सही बात है, ऐसे थोड़े ही होता है। हाँ हाँ बोल देंगे बोल देंगे। आ यार आत्माराम बहुत मत करो, फोन करो, 3 घंटा हो गया अभी तक नहीं आया वो। सही बात है। अरे अय्यर भाई मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, बार बार मेरा फोन काट रहा है। तो एक बार और ट्राई करो ना भिड़े। हाँ 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 साहब बोलिए। अरे ए सखराम कहाँ है तू भाई? क्या है साहब, सब कारागिर स्ट्राइक पर चले गए। अब वो लोग 5 दिन नहीं आएंगे, तो मतलब 5 दिन की छुट्टी साहब। 5 दिन की छुट्टी? बाप रे 5 दिन की छुट्टी, भाई काम कंप्लीट कैसे होगा? मुझे फोन दो। हेलो सखाराम, देखो भाई तुम अपनी छुट्टी वुट्टी सब कैंसिल करो, अभी के अभी कैंसिल करो। साहब वो नहीं कर सकते है ना। क्या क्या कैंसिल नहीं होगा, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट? तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पोपटलाल एक मिनट शांत हो जाओ, क्या हमेशा गर्म पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हो यार। पॉपकॉर्न? एक मिनट फोन मुझे दो, मुझे बात करने दो। लाओ। हेलो सखाराम, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। पॉपकॉर्न? हाँ मेहता जी बोली। अरे क्या कहिए सखाराम, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई? इधर काम बंद पड़ा हुआ, अभी तुम 5 दिन की छुट्टी का बोल रहे हो। प्लीज एक बार तुम गोकुल धाम में आ जाओ, अपन बैठ के बात कर लेते ना। ठीक है अभी आता हूँ साहब। हाँ ओके। मेहता साहब आपने इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ाया है। क्या मतलब? क्या क्या मतलब, आप सबको प्लीज प्लीज बोलते रहते हैं। अरे भाई मुझे पता है किस आदमी से कैसे बात करनी है, मैंने इस तरह से बात की तो वो आ रहा है। तुम्हारे बात करने से आ रहा था क्या? आया भाई आया। भिड़े अंकल वो कलर वाले कब आएंगे? उन्होंने आने से पहले ही 5 दिन की छुट्टी ले ली है। चलो हम लोग बाबू में पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। देखो बाम्बू पे पकड़ा पकड़ी खेलोगे तो गिर जाओगे। अरे कोई जगह है चोट लग गई तो? हाँ सही बात है। हमको थोड़ी देर खेलना। अरे क्या नहीं 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 नो 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 पकड़ा पकड़ी। क्या भैया कोई खबर सखाराम की? अभी तक नहीं आया। आधा घंटे का बोल के गया, 2 घंटे हो गए यार, किधर है ये? मेहता साहब ये सब वो सखाराम की बदमाशी है। भाई मैं तो कहता हूँ सखाराम का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो। अरे एक मिनट, क्या कैंसिल पोपटलाल भाई? पहले उन्होंने काम क्यों बंद किया है उसकी वजह तो जान ले। एग्जैक्टली लो आ गया वो। या पाहुणा या चला चला जल्दी लवकर लवकर। मी बोलतो जेठाला। अरे किती पण टाइम। अरे काय चाललंय काय सखाराम, तुम्हारे कारीगर है का? कल तेरे कारीगर नहीं आए, आज तेरे कारीगर नहीं आए। अच्छा तुमको लेने गया तो खाली वापस आ गया और 5 दिन की छुट्टी। क्या है साहब, वो बारकू है ना? कौन बारकू? साहब अपना कारीगर, उसके माँ बाप ने उसकी अचानक मंगनी तय कर दी, इसके लिए सब गांव चले गए। तो हम भी चले जाते हैं गांव। अरे भाई तो दूसरा कारीगर को लेके आ इधर। अब कारीगर क्या कलर का डब्बा एक दुकान में पड़ा हुआ क्यों उठा के सीधा लेके आओ? अरे भाई तेरी सुई कलर पे आके क्यों अटक जाती है? एक मिनट जेठा, मैं समझाता हूँ ना। टप्पू के पापा जरा शांत रहिए। तू शांत रह। सखाराम क्या भाई, ऑलरेडी 2 दिन काम बन रहा है और अभी 5 दिन और काम बन रहेगा तो हमारा तो सोचो, बीच में बाम्बू पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, हम कैसे आएंगे जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी, घर में जाने को नहीं मिल रहा है। सही बात है। तो फिर देखिए सखाराम भाई, हमारी सोसाइटी में औरतें बूढ़े बच्चे हम सबको कितनी तकलीफ होगी अगर ये सब ऐसा ही रहेगा तो। मैडम आपकी बात सच है पर अभी आदमी नहीं है तो मैं क्या करूँ? अरे
क्या करूँ का क्या मतलब है भाई सखाराम? भाई कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। सही बात है। ए भाई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरे कलर के साथ किया था। अरे भाई कलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमें पता है, लेकिन कैसा कलर इस्तेमाल कर रहे थे? वो बी ग्रेड का। हमने उसके बदले में तुम्हें कितना बढ़िया टॉप क्लास का ए ग्रेड का कलर दिया। ए ग्रेड का कलर लाए हो तो ए ग्रेड के कारीगर भी ले आओ। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम सखाराम? ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ। मोटा भाई मुझे मालूम है ये मेरा काम है, पर इसने बीच में अपनी टांग क्यों घुसेड़ी? ये जबान संभाल के बात कर, इसने का क्या मतलब है? इसने मतलब तूने। अबे चाचा बेवकूफ, मुझे बोला बेवकूफ। हाँ हाँ तुझे बोला। सखाराम को बेवकूफ। हाँ तुझे बेवकूफ बोलता हूँ। 35 साल से इस लाइन में हूँ, आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बोला, समझा क्या? तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ बेवकूफ। अरे चुप तू, जो बैठ तू बैठ। अरे तेरी जितनी उम्र है ना उससे कई ज्यादा मैं कलर का कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूँ, समझा क्या? अरे चल चल अबे। अरे चल। पूरी बात तो इधर करके जा, जाता किधर है? अरे इस लाइन में सिर्फ सकरम की मोनोपोली चलती, समझा क्या? जेठालाल शांत हो जाओ। अरे यार क्या बात होती है, एक बार समझने की कोशिश कर रहा है जेठालाल। सखाराम यार तुम भी छोड़ो ना, भूलो ये सब। अच्छा अभी बताओ करना क्या है? मुझे अभी कलर नहीं करना। लो इसी मौके के इंतजार में था ये। देखो अरे ऐसे आदमी को आप सोसाइटी में रखते क्यों? इसकी गलती का फल आप सबको भुगतना पड़ रहा है। अरे जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, ऐसे बेवकूफ आदमी को सोसाइटी से निकाल दो। सच कहा तुमने सखाराम, अपना जेठा प्रा तो एकदम बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ है कि इसने अभी तक तुमको थप्पड़ नहीं मारा। खबरदार तुमने अब जेठा प्रा को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला। मेरे ये जो पंजाबी दोनों हाथ है ना तुम्हारे मुंह पे ऐसे पड़ेंगे कि तुम्हारी ये जो 32 ही है ना इसका कचूमर बना के पौधा निकल जाएगा। अब सोसाइटी का जो भी हाल होगा ना उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। आप मुझे गोकुल धाम में कलर नहीं करने का दुनिया हिला दूंगा। ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कैंसिल, तुम्हारे पैसे वापस दे दे। हाँ ये लो पैसा 130 रुपए, बाकी के पैसे? अरे भाई जितना दिया था उतना काम भी तो हुआ है ना, इतना ही बचे। अब गोकुल धाम में कलर का काम कैसे होता है मैं देखता हूँ। ये बांबू लगे ना इसका पैसा भी दे देना, समझा? मैं जा रहा हूँ। अभी तो निकल ले, नहीं तो ये बांबू से तेरी पिटाई कर दूंगा। चल 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 चल। कितना वाइड है जज जोयू। एक्चुअली देखा कैसे बोल के गए, जैसे हमें कुछ श्राप देके गए। अरे अभी उसने कलर करने से मना कर दिया, अभी तो करना क्या है अभी? अरे करना क्या क्या करना क्या, अरे बहुत लोग मिल जाएंगे दूसरे। और सच कह रहा अपना जेठा परा, और ये कोई आखिरी बंदे थोड़ी ना यहाँ पे कलर कराने के लिए। तो फिर सही बात है। हेलो बाबू भाई। हाँ बोलिए। हाँ नहीं क्या हुआ वो? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ आपके बांबू के पैसे आपको मिल जाएंगे। अरे? हाँ ये सखाराम का नेटवर्क जबरदस्त है, इतनी जल्दी बांबू वाले को खबर भी कर दी उसने। अरे आत्माराम अब तुम किसी और सखाराम, राजा राम, विश्राम, सावधान किसी को भी बुलाकर सोसाइटी में कलर का काम शुरू कराओ। हाँ बात तो सही है।
गड़बड़ एक कड़क मीठा चाय बनाओ यार, दिमाग खराब कर दिया इन सोसाइटी वालों ने। अरे भाई सखाराम। हाँ भाई। क्या हो गया? अब क्या बताओ भाई। अरे भाई तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया? अरे तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है ना गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे नहीं नहीं, उसको तो गड़बड़ धाम सोसाइटी बोलना। क्यों? पहले कलर के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब बोल रहे कि हम लोग कलर ला के देंगे। अब वो लोग कलर ला के देंगे तो सबसे ज्यादा कलर में कमीशन है, अब वो लोग ला के देंगे तो अपना तो नुकसान है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है। अरे भाई कलर के साथ काम ना हो तो कमाएंगे क्या? सोसाइटी में घिसाई का काम पूरा हो गया, बम्बू लग चुकी है और मैंने तो काम छोड़ दिया। अत्ता बक्तो, गोकुलधाम सोसाइटी में कलर कैसे होता है, क्या तू करेगा क्या? मैं नहीं बाबा, बिना कलर मटेरियल के काम ही नहीं करना। जब तूने वहां से काम छोड़ दिया तो मैं तो बिल्कुल करने वाला नहीं। अब देखना गोकुलधाम सोसाइटी का कैसा बैंड बजाता हूं। साहब ये लीजिए चाय। हाँ हाँ पांडे सुन, गोकुलधाम सोसाइटी का काम मैंने छोड़ दिया, समझ गया ना? मुझे लगता है सोसाइटी में कलर बाद में, पहले हवन करना चाहिए। सोसाइटी में एक के बाद एक संकट आते ही जा रहे हैं। माधवी अभी फिलहाल कलर करते हैं। हेलो। हाँ हेलो नंदू जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ बोलो। हाँ जी, हमें हमारी सोसाइटी में कलर करना है। अरे नहीं भाई नहीं, तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हो फिर कैंसिल करते हो, तुम लोग के साथ काम नहीं करना है, तुम चीटर हो चीटर। एक मिनट, मैं कोई चीटर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ शिक्षक, और सेक्रेटरी होने के नाते मैंने सोसाइटी के फायदे के लिए डील कैंसिल की है। काय झालं? अरे मुझे चीटर बोल रहा है? जाऊ दे ना, आप दूसरे को फोन लगाइए। हेलो सुवर्णा जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। हाँ भिड़े, तो हमें हमारी अच्छा आपको पता है, ओके ओके। हाँ तो उसका नहीं नहीं मेरी बात सुनिए आप, नहीं 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 वो गलत फहमी हो, नहीं मेरी बात तो सुनिए आप, नहीं नहीं मैं कमाल है। काय झालं? ये कह रहा कि इन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है गोकुलधाम में कलर करने में। अरे देवा दूसरा ट्राई कीजिए। जी मैं गोकुलधाम सो इसने तो गोकुलधाम का नाम सुनते ही रख दिया फोन। माधवी ये सकरम बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला, लगता है कलर करने वालों की यूनियन है यूनियन, और सभी ने मिलकर फैसला किया है कि हम लोग गोकुलधाम में कलर करेंगे ही नहीं। लगता है माधवी हमारे सोसाइटी में कभी कलर नहीं होगा। माता आता का है, अभी सबसे पहले सभी सोसाइटी वालों को जमा करना होगा। महाभारत का युद्ध अभिमन्यु का मुकाबला हुआ था सिर्फ एक चक्रव्यूह से, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त गोकुलधाम के निवासियों को न जाने कितने चक्रव्यूह को पार करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी को कलर करवाने के लिए, क्योंकि स्थिति ठीक वैसी है, मुसीबतें बढ़ती जा रही है लेकिन सोसाइटी में कलर नहीं हो पा रहा। आप कल्पना कीजिए, आप किसी सैलून में शेव करवाने के लिए जाएं, आपकी शेव आधी हुई हो और शेव करने वाला आपको छोड़ के भाग खड़ा हो तो आपकी स्थिति क्या होगी? ठीक वैसी स्थिति इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों की है। भाई देखिए ना, चारों तरफ बांस तने हुए हैं लेकिन कलर नहीं हो रहा यहाँ पे। अब सोचिए इस स्थिति में गोकुलधाम निवासी क्या करेंगे, सखाराम कौन सी नई चाल चलेगा, सोसाइटी क्या इसी तरह पुरानी हवेली वाली स्थिति में रहेगी? भाई कलर नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक वैसी स्थिति इस वक्त मेरी है ये सब सोच के जैसी बर्फबारी में अमेरिका में किसी ट्रैफिक में फंसे मुसाफिर की होती है। पता
पता ही नहीं चलता किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। ठीक वैसी स्थिति इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब की है। हमें नहीं मालूम कि सोसाइटी में कलर होगा या नहीं होगा, क्या हाल होगा सोसाइटी का, लेकिन एक चीज हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कलर हो ना हो, लेकिन आपके चेहरों पे हंसी का कलर हमेशा बना रहेगा। अगले एपिसोड में देखिए कि आपकी हंसी का कौन सा कलर होता है इस बार, और गोकुलधाम सोसाइटी में इस कलर का क्या हल होता है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।